एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। और इस 2 PM के शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही है। सीएचएसएल का बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी एग्जाम बाकी है। 22 अगस्त तक हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है और अभी भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 11 को 12 को आगे आने वाली शिफ्टों में आप लोगों का एग्जाम है, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट अभी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो इस 2 बजे के सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे आपको वो कॉन्टेंट मिलेगा जो हमारे सीएचएसएल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी स्टेनोग्राफर का जिन्होंने फॉर्म भरा है, आप लोगों को पता है स्टेनोग्राफर की डेट क्या क्या है। 5 सितंबर तक आप उसका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। 5 सितंबर है कि एक सेकंड में अभी कंफर्म करके बताती हूँ। तो ये दोनों ही फॉर्म आपके 12th लेवल है, तो दोनों की तैयारी आपके इस एग्जाम इस सेशन में हो जाएगी 2 बजे के सेशन में। रात को अपना 9 बजे वाला सेशन होता है, वहां पे हम CPO की और AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तैयारी आपकी वहां चल रही है। तो ये दोनों सेशन बिल्कुल फ्री है, तैयारी आप लोगों की ऐसे ही चलती रहेगी। आगे बढ़ेंगे। एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून द रौनक, श्रेया, पूजा, एनर्जी, नितिन सिंह, अमोद सिंह, एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैम बेसिक से कब होगी? मैंने आपको बताया था ना कल आप लोगों को कि बेसिक का हम क्या करने वाले हैं। बेसिक मैं आपके अलग से वीडियोस रिकॉर्ड करने वाली हूँ और मेरे ख्याल से 2-3 दिन में वो वीडियोज आपके रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिक का फिर मैं आपका लिंक यहाँ पे इस क्लास में लगवा दिया करूंगी, उसको जाके आप रोज फॉलो कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेसिक भी हो जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करेंगे एवरीवन। एसएससी महापैक में स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट है क्या? एसएससी महापैक में सारी चीजें होंगी, जितने एग्जाम आपके एसएससी के अंदर आते हैं वो सारे एग्जाम का सारा डिटेल, सारा डेटा, सारी क्लासेस, सब कुछ आपको एसएससी के महापैक के अंदर मिलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज के क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। तो एक बार फटाफट से सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिन जिन चैनल्स पर टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग शेयर करते हैं सब एक बार फटाफट से शेयर करके आ जाएं। अब अगर कोई पहली बार आ रहा है क्लास में, तो क्लास में पहली बार अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर जी चैनल सब्सक्राइब नहीं है। साथ ही साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना है, ताकि ये सारी चीजें जो आपकी एप्लीकेशन पे कंप्लीटली फ्री होती है इनका आप बेनिफिट उठा सके। डेली क्विजेज है, करंट अफेयर्स है, जॉब अलर्ट्स है, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? अड्डा की ऐप पे मिलेंगी। अड्डा की ऐप के लिए आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए और वहां से अपना ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और आपको क्लास की PDF भी वहीं पर मिलेगी। क्लास की PDF भी आपको कहां से मिलेगी? इस ऐप से ही मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जैसे डिक्शनरी ऑर्डर में आएंगे तो उस हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। तो पहले कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये वो क्वेश्चन टाइप है जो हम सबको बहुत अच्छे से आता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, बताए पहला क्वेश्चन बहुत आसान, ये क्वेश्चन हम सब अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और इस क्वेश्चन को मैक्सिमम सभी लोग ठीक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, दो आंसर यहां पे बन रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो इस सब में सारे ही ऑप्शन में R बराबर है, E बराबर है, S बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, P आ गया। और P की प्लेस वाली कितनी, 16 होती, S की 19 होती, बाकी सारे ऑप्शन में S पहले है लेकिन P यहाँ पे पहले। तो हमारा आंसर जो शुरू होगा वो 2 से होगा, 2 से शुरू होने वाले 2 है, ये 5 से 4 से शुरू हो रहा है, ये तो बात बनी नहीं सकती, यानी कि बी और डी तो आप हटा दोगे। अब आपके पास ऑप्शन बचा है ए और ऑप्शन बचा है सी। अब ए और सी की बात की जाए तो इसमें आप देख लो, ये कह रहा है कि 254 254 1331, तो कहां पे चेंजेस आ रहे हैं, 1331 में चेंजेस आ रहे हैं। तो 3 और 1 को हम चेक कर लेंगे, ये 3 है, ये आपका 1 है, आर ई एस आई और यहां पर भी आर ई एस आई, इसके बाद जी जो कि 7वां, डी जो कि 4था, तो पहले कौन सा आ जाएगा, पहले 3 आ जाएगा। और अगर पहले 3 आता है तो मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बनेगा अपना, ऑप्शन नंबर सी will be the right response. Very good. अगले पे आते हैं। अगला question screen पे है। Tabbed का हमें कुछ code दिया है।
कोड नहीं मतलब लेटर एनालॉजी है, बट लेटर एनालॉजी में भी कोडिंग का ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा. टैप्ड का कोड या टैप्ड को हमने ऐसे लिखा है, हेडेड को कैसे लिखोगे? तो अगर टैप्ड को हमने क्या लिखा है, देखिए ई जी डबल सी, डबल सी नहीं ट्रिपल सी और फिर यू है, तो किस तरीके से बन रहा होगा ये कोड? देखो ऐसा नहीं लग रहा क्या कि ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में कोडिंग चल रही है, क्योंकि डी से ई को हम देख पा रहे हैं प्लस वन, ठीक है, ई से जी को आप कह सकते हो प्लस टू, इस बी से सी को आप कह सकते हैं क्या क्या बोलेंगे, प्लस वन बोलेंगे, ठीक है. तो मुझे लग रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में हमारा ये पैटर्न चल रहा है. फिर इस बी से क्या हो गया, इस वाले बी से फिर से सी हो गया, राइट. डी से ई हुआ, ई से आपका जी हुआ, ई एफ जी प्लस टू हो गया, फिर बी से आपका सी हुआ, फिर से बी से आपका सी हुआ. एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि कुछ जगह पे हम प्लस टू कर रहे हैं और कुछ जगह पे हम केवल प्लस वन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम देख लेंगे अभी. और फिर टी से यू हुआ यानी कि प्लस वन हुआ है. तो बेसिकली ये है आपकी रिवर्स लेटर कोडिंग, है ना, रिवर्स ऑर्डर में हम कोड कर रहे हैं पहली बात. दूसरी बात इसमें और क्या देखने वाली हुई, दूसरी बात इसमें हमने ये देखी कि रिवर्स के साथ साथ पैटर्न हमारा प्लस वन है किसके लिए, कॉन्सोनेंट्स के लिए. पैटर्न अपना क्या है, प्लस वन है कॉन्सोनेंट्स के लिए और प्लस टू है किसके लिए, वॉवल के लिए. तो अगर वॉवल है तो हम कर रहे हैं प्लस टू और कॉन्सोनेंट्स है तो हम कर रहे हैं प्लस वन, है ना, करेक्ट है, ठीक है. एक बार फटाफट से सब लोग सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना. तो अब ये जो प्लस वन प्लस टू का पैटर्न नहीं था यहां पे, ये गड़बड़ नहीं करेंगे हम. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखो सिर्फ ई में और ए में ही प्लस टू होते हम देख रहे हैं. ई से जी बना था प्लस टू यहां हुआ था, ए से आपका सी बना था प्लस टू यहां पे हुआ था. तो कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सोनेंट्स और वॉवल का है, क्या ये बात क्लियर होगी सबको, पक्का. चलो आगे बढ़े, अब इसका आंसर हमें निकालना है. इसमें एक काम करेंगे हम, इजी अप्रोच लगाएंगे. ई का हो जाएगा आपका क्या, जी, क्योंकि प्लस टू करोगे. इस ए का हो जाएगा सी, प्लस टू करेंगे. इस ई का हो जाएगा जी, यानी कि मेरा पहला दूसरा तीसरा लेटर मेरा क्या होगा, जी और सी होगा. यहां पे जी ई है इसको हटा दो, जी ई है इसको हटा दो, जी. अच्छा सॉरी, हम तो रिवर्स लेटर कोडिंग करेंगे ना इसमें, सॉरी, रिवर्स ऑर्डर में होगा. तो डी में प्लस वन कर दोगे ई आ जाएगा, ई में प्लस टू करोगे जी आ जाएगा, डी में प्लस वन करोगे ई आएगा, ए में प्लस टू करोगे सी आएगा, ई में प्लस टू करोगे जी आएगा. तो ई जी ई सी जी, ई जी ई सी जी हमारे इस ऑप्शन में, ई जी ई सी जी इस ऑप्शन में भी, यानी कि लास्ट का कोड निकालना पड़ेगा. एच में प्लस वन करेंगे तो आई आएगा. ऑप्शन नंबर वन बिकम्स द राइट रिस्पॉन्स, ठीक है. ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा, राइट. चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है, नंबर नंबर एनालॉजी का. अब 17:361 23:1, 17 का जो रिलेशन 361 के साथ है वही रिलेशन 23 का किसके साथ बनेगा. अब सिंपल सा हम यहां पे ये देख पा रहे हैं कि अगर मुझे मेरे स्क्वायर्स की वैल्यू पता है, अगर हमारे हमें स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छे से पता है, तो आंसर बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आपका आना चाहिए और तुरंत आंसर आना चाहिए. बताएं वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट. 625 जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बी ऑप्शन 625 बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स है. क्यों, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ये जो है ये आपका 19 का स्क्वायर है. 17 और 19 में रिलेशन है प्लस टू का, उसी तरीके से 23 में आप प्लस टू करेंगे तो बनेगा 25 और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625. 23 में प्लस टू करोगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा. इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 625 बन जाएगा. ऑप्शन नंबर टू यानी कि 625 विल बी माई करेक्ट रिस्पॉन्स. आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, ये भी आसान है क्योंकि हम डायरेक्टली देख पा रहे कि ये किस तरीके के नंबर है, राइट. क्या होगा, 121 बिल्कुल करेक्ट. क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये हम अच्छे से समझते हैं. ये क्या है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर होता है, राइट. ये 17 का स्क्वायर है,
हाँ 17 का स्क्वायर है तो 11 से 13 की हमने बात करी, मतलब प्लस 2 किया है, 13 से 17 की हमने बात करी प्लस 4 किया है, राइट। अब क्या होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 का डिफरेंस अगर आया है तो इसमें क्या हमें प्लस 6 करना है। अगर हम इसमें प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6, और 6 अगर मैं 17 में ऐड करती हूँ तो यहाँ पे 6 6 12 और 1 13, यानी कि 23 का स्क्वायर हमें निकालना है क्या? लेकिन 23 का स्क्वायर हम नहीं निकालेंगे, 11 13 17, ये अचानक से 17 का स्क्वायर क्यों इन्होंने दिया है, ये लॉजिक हमें देखना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बोल रहे कि 343 मार्क कर लो, नहीं, 3 प्राइम नंबर का स्क्वायर चल सकता है, ये जरूर हम देख सकते हैं। अगर प्राइम नंबर के स्क्वायर हम देखें तो प्राइम नंबर के स्क्वायर में हम जाएंगे तो अगला प्राइम नंबर अपने पास क्या 19 है ना, 19 की बात करोगे तो 19 का स्क्वायर अपना कितना होता है 361 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पहली बात तो देखो 343 तो आप वैसे ही हटा सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, किसी का क्यूब है, ये 22 का स्क्वायर होता है और ये अपना कितना, ये शायद 21 का स्क्वायर होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ ये 21 का होता है, 22 का होता है, तो 361 आ जाएगा अपने पास क्या 19 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट अभी भी क्या कर रहे, 343 मार्क कर रहे, देखो 343 तो आप वैसे ही हटा दोगे ना, सारे क्या दिख रहे हैं आपको, सारे आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, राइट। और यहां पे अगर मैं 343 को देखूं तो ये 7 का क्यूब है, ये तो पहले ही आपका हट जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए अगले पे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे किसका है, सेट एनालॉजी का है। आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है 6 12 228, 8 3 515, 8 3 515। मैम पीईटी वाले ये क्लास कर सकते हैं क्या, नितिन सिंह, नितिन आपने अपना सिलेबस चेक किया है, एक बार अगर आपने सिलेबस चेक किया तो आप उसके हिसाब से डेफिनेटली क्लास कर सकते हो। मैम आपका बैच लेना है, कौन सा बैच ले, कल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें रीजनिंग आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगी, उस बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं, स्टेनोग्राफर का ही जो बैच है उसमें आपकी रीजनिंग जो है हम पढ़ा रहे हैं, तो उस बैच में आप लोग सब आ सकते हैं। देखो लॉजिक नहीं बन रहा, इसको देखो यहां से लॉजिक पता नहीं चलेगा हमें, क्यों, क्योंकि 515 को आप ऐसे लिख पाओगे ना, 512 प्लस 3, राइट। अब 512 को ऐसे देख लो, ये क्या है, ये जो पहला नंबर है ये इस 8 का क्यूब नहीं बोल सकते क्या, 8 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, जो दूसरा नंबर है वो उसमें क्या कर दिया, डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो पहले नंबर का क्यूब प्लस कर दिया आपने दूसरा नंबर, सेम यहां पे भी हुआ है, 6 का क्यूब में आपने प्लस कर दिया है, कौन सा, दूसरा नंबर। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, 216 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम 12 ऐड कर रहे हैं, तो क्या निकल कर आएगा, 228 निकल कर आएगा। अब सेम लॉजिक हम लोगों को चेक करना है कि कौन से ऑप्शन का सेम लॉजिक जो है वो लग जाएगा। ऑप्शन अगर एलिमिनेट करोगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 9 का क्यूब भी 729 होता है, ये नंबर बहुत छोटा है इसको हटा दो। 4 का क्यूब होता है आपका कितना, 64, 64 में अगर 18 ऐड कर दिया जाए तो 8 और 4 12, 6 1 7 और 1 8, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा क्या, करेक्ट रिस्पॉन्स। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको, पक्का। आगे बढ़ ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आज मेरे ख्याल से सारी हमारी शुरुआत नंबर सीरीज से चल, नंबर वाले क्वेश्चन की हो गई है। आगे आगे अपने पास एक और क्वेश्चन है, बट ये आपका लेटर्स का है जी। बेस को लिखा है हमने EASB, माइन को लिखा है आपने EINM, ठीक है, और उसी हिसाब से हमें कोड पता करना है किसका, काम का, तो क्या करोगे। अमोल सिंह मैम 28 ईयर्स में दोनों ग्रेड अप्लाई कर सकता हूँ। अमोद आप कौन से एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हो। शैलेश मैम आप कौन कौन से बैच पढ़ा रहे हो, स्टेनोग्राफर, डबल AI और एक बैच हमारा अभी आगे जाके शुरू होगा, मेरे ख्याल से 25 या 26 अगस्त से, उसमें हम पढ़ा रहे होंगे CGL प्लस CPU, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रिस्पांस, बिल्कुल 4 2 3 1 के ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर देंगे। हमें क्या दिखाई दिया, 1 2 3 4 को क्या कर दिया आपने, 4 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, 3 वहीं का वहीं है और 1 आपका यहां, तो 4 2 3 1 में इसको अरेंज करना है। 4 2 3 1 में अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, MA 4 2 3 1, यानी कि L और हो जाएगा C, तो MALC ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रिस्पांस है आप लोगों का, वेल डन। अगले क्वेश्चन पे आइए और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है।
चलिए थोड़े पिक्चर रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, फिर वापस इन क्वेश्चंस पे आते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये कि ए से एफ तक हमने इसके ऊपर लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो SSB वगैरह के लिए तो आपको एक प्रॉपर जो है गाइडेंस की जरूरत होती है। जॉनसन बैक बेंचर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग मैम, यू हैव एनी आइडिया फॉर SSB SI टेस्ट सीरीज क्लास? ये पहले तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पूछो, हम समझ नहीं पा रहे। अगर आप SSB की बात कर रहे हो तो SSB की बात हम कर सकते हैं, लेकिन आप SI दिल्ली पुलिस SI और SSB की बात हो रही है क्या? उसकी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी, इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। देखो अब निकालना क्या, डी के ऑपोजिट निकालना है आपको, ठीक। डी के ऑपोजिट अगर निकालना है, डी यहां पे डी है नहीं, यहां पे ई और सी है, यहां पर भी ई और सी है, तो ये वाला डी इस वाले एफ के ऑपोजिट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो डी ऑपोजिट किसके आ गया? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एफ के ऑपोजिट आ गया। अगले पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, रुको एक बार थोड़े से मिरर इमेज के क्वेश्चंस कर लेते पहले। A79CK का अब कोड निकालोगे, मिरर इमेज निकालोगे तो क्या बनेगी? लाइक करते रहो, है ना, लाइक नहीं रुकना चाहिए मैम। रीजनिंग पूछी जाती है PET में, ओके। शैलेश देखो मुझे टाइम टेबल अभी ऐसे याद तो नहीं है, लेकिन जब आप किसी बैच में जाते हो तो उसका पूरा स्केड्यूल आप देख सकते हो, पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हैं कि कहाँ से आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, कितने कितने बजे क्या क्या चीज होगी। पूरा टाइम टेबल मैं आप लोगों को भी दिखा भी दूंगी, ठीक है। ओके तो अगर इसका आंसर निकाला जाए, सबसे पहले बनेगी K की मिरर इमेज, और K की मिरर इमेज K जैसी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा आंसर, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। C दोनों में करेक्ट है, K दोनों में करेक्ट है, यहाँ पे गड़बड़ है, इसको चेक कर लो। ये क्या है 9, और 9 की अगर मिरर इमेज बनेगी तो कुछ ऐसे बनेगी। ऑप्शन नंबर C आपका होगा करेक्ट रिस्पॉन्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक और क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पिक्चर रीजनिंग का, मिरर इमेज का। बिहार सब इंस्पेक्टर, हाँ तो बिहार सब इंस्पेक्टर की आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो। क्या होगा आंसर अपना? देखो सबसे पहले अपनी मिरर इमेज जो बनेगी वो किसकी बनेगी? 2 की बनेगी, और 2 की मिरर इमेज कुछ ऐसे दिखाई देगी। ये हटा सकते हैं आप, ये ओके है, ये ओके, ये ओके। फिर आया अपने पास 7 की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, तो ये ओके, ये वाटर इमेज है, इसको हटा दीजिए, ये ठीक है। फिर आया 4 की मिरर इमेज, ये करेक्ट है, यहां पे 4 की आपको दिखाई गई है वाटर इमेज, तो इसको हटा दीजिए। आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट रिस्पॉन्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। यहां पे आपको 3 रो दे रखी है, पहली रो में लिखा है 5398, दूसरे में लिखा है 7365, तीसरे में लिखा है 11?9। अब आपको पता करना है कि शुभांगी AI में रीजनिंग आती है? हां जी बिल्कुल आती है AI में रीजनिंग, ठीक है मैम। ये क्लास CGL के लिए भी कर सकते हैं। देखो अगर CGL के लिए आपको प्रॉपर क्लास करनी है तो CGL CPO लेवल की क्लास ना अपनी चल रही है, कहां पे? ये क्लास हमारी, इस लेवल की क्लास हमारी चल रही है 9 PM, वहां पे आप आ सकते हो। इस क्लास को भी कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन तो सारे सेम ही आते हैं, बस सीजन में कुछ चीजें आपकी थोड़ी अच्छे लेवल की पूछी जा सकती है, बाकी टॉपिक सारे यही है, टॉपिक आपके डिफरेंट नहीं है, तो कर सकते हैं जी। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर B। AAI क्या होता है? AAI आपका एक नया फॉर्म निकला है, आप में से कितने स्टूडेंट ग्रेजुएट है जरा बताइए, कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएट है, एक बार बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। देखो अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आए तो इस क्वेश्चन में मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या, ये 13 का 3 टाइम है, ठीक है। उसी तरीके से इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या, ये 12 का 3 टाइम्स है, करेक्ट है।
अच्छा, इस कंक्लूजन पे हम कैसे आए कि इसको हमें इस तरीके से देखना है? उसका रीजन ये है कि पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 8, इन दोनों नंबर को कर दो ऐड, तो 5 प्लस 8 करोगे तो 13 आएगा, और इस 13 का कर दो 3 से मल्टीप्लाई तो 39 आ गया। उसी तरीके से 7 में 5 ऐड कर दो, 7 प्लस 5 आपका 12 हो गया, 12 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो 36 आ गया। 11 और 9 का ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 का 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 60 निकल कर आएगा। तो 60 हैज टू बी द राइट रिस्पांस, और ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अपना करेक्ट रिस्पांस। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये इसको कहा जा रहा है कि इन चार ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारी इस पिक्चर में हम ढूंढ सकते हैं। ये क्या है? एम्बेडेड फिगर का डिफरेंट टाइप है। ये क्या है? ये आपका एम्बेडेड फिगर का डिफरेंट टाइप है। आप में से कुछ पूछ रहे थे कि मैम AAI क्या है। AAI है आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसके ना ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म निकले हुए। अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, तो अच्छा खासा 13 लाख पर एनम का पैकेज है, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए बिना किसी डाउट के। तो ये पैकेज बहुत अच्छा है। आप लोग इसमें ना आपकी तीन पोस्ट निकली है AAI के अंदर। इस AAI के अंदर आपकी तीन पोस्ट निकली हैं। एक निकली है आपकी सीनियर असिस्टेंट, ठीक है, एक सीनियर असिस्टेंट है, एक जूनियर असिस्टेंट है, और एक है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव। एक है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए केवल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए केवल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को 100% फिल कर दीजिए, मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं। इसका आंसर क्या बनेगा? फिलहाल अगर इस क्वेश्चन पे हम आएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल गलत। देखो ऑप्शन नंबर ये देखिए, अगर यहां पे हम देखें तो क्या 2 खिड़की 3 खिड़की, अच्छा ठीक है, तो यहां देखो जरा, क्या ये हमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिखाई दे रहा है इसमें? अब बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रिस्पांस है। ऑप्शन नंबर ए जो है, जिन्होंने मार्क किया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको सुधार लो, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आएंगे, अगले सवाल पे आएंगे, और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है फिर से पिक्चर रीजनिंग का। ये पिक्चर को हमने क्या किया, इस स्क्वायर शीट को हमने फोल्ड किया है। पहले ये इतना बड़ा स्क्वायर था, इसका आधा कर दिया, फिर उसके आधे का भी हमने आधा कर दिया, तो ये क्या निकल कर आएगा? AAI के एग्जाम की अभी डेट नहीं आई है, तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है। जब नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट अभी मेंशन नहीं हुई है, इसका मतलब क्या, आपके पास समय होगा, आपके पास टाइम होगा इसको प्रिपेयर करने का। ठीक, वेबसाइट आपकी AAI ही है, ठीक है। जो चाह रहे हैं फॉर्म फिल करना, उनको कुछ नहीं करना है, ऐसे गूगल सर्च कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म AAI, तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, AAI की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो परेशान जैसा कुछ आपको होना नहीं है, आराम से आपको उसका वो मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सबसे लास्ट में फोल्ड हुआ है, सबसे पहले अनफोल्ड भी यही होगा, और जब सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा तो ये जो आपका एरो है ऐसा हो जाएगा, फिर जब ये इधर खुलेगा तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बन जाएगी, फिर इधर खुलेगा तो इसकी मिरर आपको ऐसे दिखाई देगी। तो पहले एरो देख लो, इस तरह से एरो कितनी जगह पे, पहली बात तो यहाँ पे एरो है नहीं, इसको हटा दीजिए। यहां पे ये एरो दोनों को दोनों एक ही तरफ देख रहे, ऐसा नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। यहां पे ये जो एरो है, ये भी दोनों एक तरफ देख रहे, इसको भी हटा दीजिए। जब तीन ऑप्शन हटा दिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रिस्पांस यहां पे बन जाता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है फिर से नंबर, चलिए पहले ये कर लेते हैं। यहां पे दिया गया है आपको सारे के सारे मून क्या है, सन है,
कोई भी मून जो है वो स्टार नहीं है, और सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, और कुछ स्टार जो है वो प्लैनेट्स हैं, ये हमारे पास दिया गया है क्या? मैम एग्जाम किस मोड में होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? अब ये किसकी बात हो रही है, सारे ही एग्जाम, अगर स्टेनोग्राफर की बात करो तो वो ऑनलाइन है, अगर आप अभिषेक शर्मा, थैंक यू सो मच, और अगर आप AAI की बात कर रहे हो तो वो भी अपना ऑनलाइन है. मैक्सिमम एग्जाम, अब कौन सा एग्जाम, अब UPSC के अलावा मुझे लगता है सारे एग्जाम आपके अभी ऑनलाइन ही हो रहे हैं. ठीक है, बताओ. अब ये जो सिलोजिज्म का हमारा क्वेश्चन है, मैम ASOMEA का रीजनिंग, हां जी, तो बताइए. नन ऑफ द, अच्छा, तो आप में से कुछ कह रहे हैं कि मैम इसका आंसर नन हो जाएगा, और कुछ कह रहे हैं कि दूसरा और तीसरा फॉलो होगा. सही पढ़ रही हूं मैं? सारे गलत हैं. मैक्सिमम कह रहे हैं कि सारे गलत है. ठीक है, इधर देखते हैं. अब यहां पे क्या दिया है, ऑल मून्स आर सन, सारे के सारे मून जो हैं, सारे के सारे मून जो हैं वो क्या हैं, वो है सन, तो सारे के सारे मून सन हो जाएंगे. नो मून इज अ स्टार, कोई भी मून जो है वो स्टार नहीं है, कोई भी मून जो है वो स्टार नहीं है. सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, कुछ स्टार क्या है, कुछ स्टार जो है वो प्लैनेट है. कुछ स्टार क्या है, कुछ स्टार आपके प्लैनेट है, तो ये बनेगा हमारा क्या, वेन डायग्राम. अब इस वेन डायग्राम के हिसाब से कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष हमें देखना है. पहला निष्कर्ष पूछा है इन्होंने, कुछ सन प्लैनेट है. क्या कह रहा है कि कुछ सन ऐसे हैं जो प्लैनेट हैं, तो कुछ सन ये आपके सन है, ठीक है, और ये है प्लैनेट, तो कुछ सन मुझे प्लैनेट होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पहले वाला आप हटा देंगे, ये नहीं बनेगा. ठीक है, दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है नो सन इज अ स्टार, कोई भी सन जो है वो स्टार नहीं हो सकता. देखो ये है सन और ये है आपका स्टार. प्रॉब्लम है मून और स्टार के बीच में, मून और स्टार आपस में नहीं जुड़ सकते, ठीक है, राइट. लेकिन सन और स्टार आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, तो यह कहना गारंटीड तौर पे कि कोई भी सन स्टार नहीं होगा, यह बात गलत हो जाएगी, इसको हटा दीजिए. फिर तीसरा कह रहा है नो प्लैनेट इज अ मून, यह बात भी गलत है. क्यों? क्योंकि प्लैनेट का वो हिस्सा जो स्टार के साथ जुड़ा हुआ है, प्लैनेट का केवल उतना हिस्सा जो स्टार के साथ जुड़ा हुआ है, केवल वो हिस्सा आपका मून के साथ नहीं जाएगा, लेकिन प्लैनेट का जो बाकी हिस्सा है ये मून के साथ, ये सन के साथ एक्ट कर सकता है, के साथ मिल सकता है, तो तीसरा भी गलत. तो जितने स्टूडेंट ने बोला कि नन फॉलो, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कोई भी करेक्ट नहीं, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे. ठीक, डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, किसका, कोडिंग का. मदर का कोड दिया है आपको LNSGIV, फादर का कोड दिया है कुछ, वंडर का हमें कोड निकालना है, क्या होगा आंसर. स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो है वो हमारा ऑनलाइन ही है, सारे आपके SSC के भी सारे ही एग्जाम अब आजकल ऑनलाइन ही होते हैं, तो परेशान मत होइए. ठीक, मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रीति शर्मा. देखो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में ये ना अलग अलग की स्पीड पे डिपेंड करता है. अभी अगर क्या स्पीड है अभी हमारी, आप लोगों ने लगाया किसी ने कोई मॉक अभी तक, CPO का, स्टेनोग्राफर का, आराम से बैठ के कोई एक मॉक लगाया अभी तक? मैम AAI में जूनियर एग्जीक्यूटिव का बता दो. देखो एक सेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो सेशन आप लोग देख लेना, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी AAI से रिलेटेड. और ये लेकिन मौका छोड़ना नहीं आप लोगों को, जितने बच्चे यहाँ पे हैं सुन रहे हैं और ग्रेजुएट हो, तो AAI में अगर आपका सिलेक्शन होता है, अच्छा खासा पैकेज है, उसको छोड़िए मत, उसको कर लीजिए. क्या दिया हुआ है हमें, मदर का कोड देखो क्या दिया है, मदर का कोड है आपके सामने LNSGIV, ये कोड है. कैसे बन रहा है ये, अच्छा अगर ठीक से देखोगे तो T से G और H से S हो रहा है, E से B और R से I हो रहा है, O से L और M से N हो रहा है. क्या है ये सारे हैं आपके ओपोजिट लेटर पेयर, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे हैं ओपोजिट लेटर पेयर. और उस बेस पे वंडर का कोड क्या हो जाएगा, वंडर में W का ओपोजिट पेयर क्या होता है, D होता है, O का क्या होता है, L होता है, N का क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, D का क्या होता है, D का W होता है, उसके बाद ER, R का होता है आपका I, और E का क्या हो जाएगा, V. तो आंसर अपना क्या बनेगा, LDWMIV, LDWMIV, तो LDWMIV यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को मार्क कर लोगे.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है क्या? अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, फिर से कोडिंग का, इसका बताइए। इस बार दिया हुआ है आपको क्या? एक्टर। एक्टर का कोड हमारे पास है कितना? 1, 3, 6, 8, 12, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया हीरोइन का कोड, ओके। हीरोइन का कोड हमारे सामने है कितना? 9, 5, 1, 2, 8, 7, 4, 5, ठीक, ये हो गया। हीरो का कोड आपको निकालना है। किसका कोड निकालना है? हीरो का कोड निकालना है। जब ये जो डेटा जिस हिसाब से दिया गया है ना आपको, H E R O मतलब मेरे पास H कहाँ पे है? H यहाँ पे है। E कहाँ पे है? E यहाँ पे है। R कहाँ पे? R यहाँ पे। O कहाँ पे? O यहाँ पे। कॉपी मार दें क्या? जब हमें निकालने ही H E R O के कोड्स हैं तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दो। फिलहाल अगर ये पूछोगे कि मैम ये कौन सी वाली कोडिंग टाइप है, तो ये कौन सी वाली कोडिंग टाइप है? ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग, है ना। क्या है ये? ये है हमारी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग। यहाँ पे कोई और लॉजिक नहीं है, यहाँ चल रहा है आपका डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन। ए को दे दिया है 1, सी को दे दिया है 3, टी को 6 लिखा है, जबकि टी का कहीं से कहीं तक कोड 6 नहीं है, ठीक। ओ को कर दिया 8 और आर को कर दिया 18। उसी तरीके से एच को लिखा है 9, ई को करा है 5 और आर को कर दिया है कितना? 12, और ओ का हो जाएगा कितना? 8। तो 9, 5, 1, 2, 8 अपना आंसर बनेगा। 9, 5, 1, 2, 8 ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 को मार्क किया जा सकता है। ये क्या, किस तरह का था क्वेश्चन आपका? ये था आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक। चलिए, स्टेनोग्राफर में आपके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए ना आज एक सेशन है, उस सेशन को आप लोग देख लेना, अभी इस क्लास के बाद ही, डायरेक्ट बाद ही है। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, 19 का जो रिलेशन 90 के साथ है, 25 का जो रिलेशन हमें बताना है, 13 का जो रिलेशन 65 के साथ है, इसको तो बड़े आराम से कर लोगे, है ना, इसको तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा एक बार सभी स्टूडेंट, ये जितने भी स्टूडेंट हमारे लाइव हैं अभी, मतलब लाइक तो बनता है, एक बार लाइक कर दो फटाफट से सारे जिन्होंने अभी तक नहीं किया। मैम स्टेनो का सिलेबस बता दीजिए। देखो स्टेनो का सिलेबस हम यहाँ पे इस क्लास में तो नहीं बता पाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सारे आपके वही टॉपिक आते हैं जो आते हैं बाकी एसएससी एग्जाम में। बाकी अभी एक इस क्लास के बाद एक सेशन है, वहाँ पे हम स्टेनो की बात करने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ही बात करने वाले हैं। अभी 3:15 पे मेरा सेशन है, ठीक है। तो अभी 3:15 पे स्टेनो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे सेशन है हमारा, इसमें आ जाना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है कि 13 और 60 में एक रिलेशन है, वो क्या? कि 13 का 5 टाइम्स करोगे तो 65 आएगा, 65 में से 5 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा। 19 का 5 टाइम्स करोगे तो 95 आएगा, 95 में से 5 माइनस करोगे तो 90 आएगा। 25 का हम 5 टाइम्स करेंगे तो 125 आएगा, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। और 120 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 में 120 है, यह आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है, डन है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर फिर से है क्या? नंबर एनालॉजी का, लेकिन आपको करना है ऑड वन आउट, यानी कि ये जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका बाकी सबसे हटकर है, और उस ऑप्शन को आपको क्या करना है? पता करके आंसर करना है। कौन सा होगा वो ऑप्शन या क्या हो सकता है वो ऑप्शन, देखिए जरा। बिल्कुल करेक्ट एनर्जी मैम, ये क्लास सीजीएल के लिए भी ले सकते हैं क्या? सीजीएल के लिए ये क्लास आपकी, आप कर सकते हैं, तैयारी आपकी हो जाएगी। क्या आंसर होना चाहिए यहां पर? यहाँ पे हमें दिया गया है, देखो ये 43 और ये जो दूसरा नंबर है ये कनेक्टेड है। कैसे? अगर इस 43 का आप करेंगे डबल तो कितना बनेगा? ये बनेगा 6 और ये बनेगा 8, 86। 86 और 84 में क्या है? आपको -2 दिख रहा है, मतलब पहले वाले नंबर का डबल करो और -2 कर दो। उसके बाद 19 का डबल होता है कितना? 38। 38 में से -2 करोगे बन जाएगा 36। 15 का डबल होता है 30। 30 में से -2 करोगे तो 21 तो कहीं से कहीं तक आएगा नहीं, तो यही हमारा क्या है? ऑड वन आउट है। यहाँ पे 21 का डबल करोगे तो कितना होता है? 42। 42 में से -2 करोगे 40। तो बाकी
सारे ऑप्शन में हमारा ये लॉजिक परफेक्टली लग रहा है कि पहले नंबर का डबल, डबल में से माइनस कर दिया टू तो दूसरा नंबर, लेकिन तीन में ये हरकत होती दिखाई नहीं दे रही, तो ऑप्शन नंबर थ्री हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट रिस्पॉन्स बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, चलिए ये बताइए, 6 का जो रिलेशन 96 के साथ है, 8 का जो रिलेशन 144 के साथ है, 5 का वो रिलेशन किसके साथ निकल कर आएगा, 5 का वो रिलेशन किसके साथ निकल कर आएगा। थैंक यू पायल, थैंक यू सो मच, बताओ। तो आपको पता है कि इस 96 को आप एक डायरेक्ट मल्टीपल में निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जैसे 144 है, आपको ये पता है कि ये 18 का 8 टाइम्स है। टेबल्स अगर हमें याद है तो हम इन चीजों को जल्दी पकड़ पाते हैं, जल्दी लॉजिक को समझ पाते हैं। उसी तरीके से इसको आप बोल सकते हैं 16 का 6 टाइम्स, राइट, ठीक है। और उसी तरीके से अब ये आपको तय करना है कि ये इंटू 8, तो चलो हमने पहले वाला नंबर ले लिया, इंटू 6 हमने पहले वाला नंबर ले लिया, अब ये 16 कैसे आया और 18 कैसे आया। ये जो पहला नंबर है इसमें अगर आप 10 ऐड करोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, ये जो पहला नंबर है इसमें अगर आप 10 ऐड करेंगे तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से क्या करो, पहले नंबर में 10 ऐड कर लो पहले, तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, और इस 15 का मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले वाले नंबर से होगा, तो 15 का मल्टीप्लाई 5 से करना, अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी कि 75 बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, श्योर। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, क्या अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, TVXSUWRTVQSU, अगला लेटर सीक्वेंस क्या निकल कर आएगा। क्या देखेंगे, पहला लेटर अगर फोकस करेंगे हम तो पहले लेटर में क्या दिखाई दे रहा है, टी से एस की बात हो रही है मतलब माइनस वन, एस से आर की बात हो रही है यहां पर भी माइनस वन, आर से क्यू की बात हो रही है यहां पर भी माइनस वन, क्यू से अगर आप फिर से माइनस वन करते हैं तो क्यू से माइनस वन करने पर क्या आएगा, पी आएगा। पी यहां पर कितने ऑप्शन में, इन ऑप्शन में तो पी है ही नहीं, तो सीधे सीधे आंसर क्या लग जाना चाहिए यहां पे, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम थोड़ा सा एक बार लॉजिक देख के अगर अपने ऑप्शंस को हम जरा फटाफट से देख लिया करें तो हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है, हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है थोड़ा समझना। अगले सवाल पे आइए, और अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये एलिफेंट का जो रिलेशन ट्रंक के साथ है, फिश का जो गिल के साथ है, कैंगरू का वो रिलेशन किसके साथ बनेगा, वर्ड एनालॉजी। तो एलिफेंट का एक एक्सटेंडेड बॉडी ऑर्गन होता है सूंड यानी कि ट्रंक, फिश में एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, और कैंगरू में एक स्पेशल ऑर्गन क्या होता है, कैंगरू का पाउच, जिसमें वो अपने बेबी कैंगरू को रखता है जो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ होता है जितना एक मेच्योर बेबी कैंगरू होना चाहिए, तो अनडेवलप्ड स्टेज में वो उसको पाउच में रख के बाकी का उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले पे आएंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर फिर से है लेटर सीक्वेंस का, एमटीएस के लिए कर सकते हो ये क्लास, अगर आप लोग बोल रहे हैं, अगर आप लोग कह रहे हैं कि मैम एमटीएस के लिए कर सकते हैं तो एमटीएस के लिए कर सकते हो, एमटीएस के लिए थोड़ा सा लेवल ये हाई होगा बट कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस तो आपकी बढ़िया से हो जाएगी। मॉक्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, मॉक्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज करोगे, देखो कोई भी चीज, आप किसी भी चीज में प्रोग्रेस कैसे करते हो, जब आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, आप उस चीज की डेली प्रैक्टिस करते हो तब जाके आपका उसका इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो आप कुछ किसी भी एरिया में देख लीजिए, है ना, कुछ भी आप नई चीज सीखने जा रहे हो, डांसिंग क्लासेस सीखने जा रहे हो तो एक दिन में तो नहीं सीखते हो, धीरे धीरे आप उसके कॉन्सेप्ट पकड़ते हो, फिर जाके आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है,
राइट तो वही आपका हर चीज में होता है, वही आपका सिलेबस में भी होगा, मॉक्स में भी होगा. तो अगर स्पीड की बात है मतलब प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देखेंगे. तो सी से जी की आप बात करोगे तो सी से जे का मतलब है ये तीसरा लेटर है और ये दसवां लेटर है, यहाँ पे प्लस सेवन होता दिखाई दे रहा है. ये सत्रहवां लेटर है, यहाँ पर भी आपका प्लस सेवन है. और क्यू से एक्स की बात की जाएगी तो ये भी प्लस सेवन हो रहा है. अब इसमें प्लस सेवन कर लो आप, तो 24 में आप प्लस 7 करेंगे तो 24 के बाद आप प्लस 2 करोगे, प्लस 2 करोगे तो 26वां लेटर. और कितना और करना है, प्लस 5 आपको और करना है क्योंकि टोटल 7 करना है. तो 26 में प्लस 5 करोगे तो कौन सा लेटर आएगा, प्लस 5 मतलब ई आ जाएगा. ई से शुरुआत हो रही है आपके दो ऑप्शन की, 2 और 3 की. इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए. यहाँ पे लिखा है आपका ई के बाद सी, ई के बाद सी, यहाँ पे एम है, यहाँ पे आई है. तो क्या कर ले, लास्ट लेटर चेक कर लिया जाए. लास्ट लेटर चेक करेंगे तो ए से जी, ये 1 था, ये कितना 7 था, 1 से 7 यानी कि 6 ऐड किया आपने. यहाँ पर भी प्लस 6 करेंगे तो 7 एंड 6 हो जाएगा 13. और 13th लेटर यानी कि आपका क्या आएगा, लास्ट लेटर M आएगा. लास्ट लेटर क्योंकि M आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा यहां पे करेक्ट रिस्पांस. आई होप ये बात भी सबको क्लियर हो गई होगी. अगले सवाल पे आए और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है क्या. चलिए ये बताइए, 31 दिसंबर 2009 थर्सडे था, ठीक है, 31 दिसंबर 2009 अगर थर्सडे था तो 25 दिसंबर 2010 क्या रहा होगा. थर्सडे था तो 25 दिसंबर 2010 आपका कौन सा दिन रहा होगा, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को बताइए. सीधे सीधे वेरी गुड, एक आंसर आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट है. आप क्या करोगे, 31 दिसंबर 2010 का तो 9 का दे रखा है आपको थर्सडे, इसमें क्या कीजिए, इसमें आगे आ जाइए, 31 दिसंबर 2010 पे आ जाइए, ठीक है. और यहां पे 2010 पे आने पे होगा क्या, क्योंकि 2009 आपका ये लीप ईयर है नहीं, प्लस इसमें लीप ईयर देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 2009 की फरवरी ऑलरेडी जा चुकी है. हाँ यहां पे आपको लीप ईयर देखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2010 आपका लीप ईयर है नहीं. ऐसे केस में क्या करते हैं, आप प्लस वन करते हैं. तो थर्सडे में आपने प्लस वन किया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास फ्राइडे आ गया. क्या आ गया, फ्राइडे आ गया. लेकिन ये हमने कब की डेट बताई, 31 दिसंबर की बताई है, हमें बतानी कब की है, हमें 25 दिसंबर 2010 की बतानी है. तो 31 से 25 दिसंबर पर आने के लिए आपको कितना पीछे जाना, कितने दिन पीछे जाना, 6 दिन पीछे जाना. तो फ्राइडे से भी आपको क्या आंसर मिलेगा, माइनस 6 कर दोगे. फ्राइडे से 6 दिन पीछे जाओगे तो आंसर क्या बनेगा अपना, सैटरडे बनेगा. तो सैटरडे विल बी द राइट रिस्पांस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट रिस्पांस. अब आते हैं आज के हम किस पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे. और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या होगा, हाँ ये क्वेश्चन अपने लिए क्या होगा, ये होगा हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी आर होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे. तो इसको क्या करना है, इसको आप लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में. ये कौन सा वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये इजीएस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन है. इसको आसानी से आपको कैसे करना है, ए बी सी डी का जो मतलब है वो बना दीजिए और फिर डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, बॉडमस लगा देंगे. तो सिंपल सा क्वेश्चन टाइप है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है. तो ये था हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन. अब आते हैं जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कौन कौन से बैचेस में आप पढ़ा रहे हो, कौन कौन से बैच अवेलेबल हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं. बट उससे पहले हमारी कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, देखो 2 बजे का सेशन आपका स्टेनोग्राफर के लिए है, ठीक है. 2 बजे का सेशन हमारा किसके लिए, स्टेनोग्राफर के लिए है. और क्योंकि स्टेनोग्राफर और ये आपका सीएचएसएल दोनों सेम लेवल पे हैं, 12वीं क्लास का इस ये एग्जामिनेशन, तो जब तक आप लोगों का सीएचएसएल का पेपर नहीं हो रहा है तो ये क्लास आपकी सीएचएसएल के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी. रात के 9 बजे का सेशन है आपका सीपीओ, सीपीओ के साथ साथ एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में अभी आप लोगों को बता रही थी कि कब कैसे इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट. उसके बाद अगर बात की जाए आपकी किसकी, स्टेनोग्राफर के बैच की, कल से सब लोग ध्यान से सुन लो, कल से अपना बैच शुरू हो रहा है, कौन से वाला, ये वाला. तो ये स्टेनोग्राफर का बैच है, सॉरी ये वाला नहीं,
अपना ये स्टेनोग्राफर का बैच है जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है. कंप्लीट फाउंडेशन बैच का मतलब है कि आपके पास बेसिक से लेके एडवांस एग्जामिनेशन लेवल तक की हर चीज आपको बताई और पढ़ाई जाएगी. इसके साथ साथ इसमें जो स्टेनोग्राफी स्किल्स हैं वो भी आपको इसी में पढ़ाया जाएगा इस बैच में. बैच के क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हमें इस बैच में मिलेंगी, वो फीचर्स हैं आपके क्या, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, यानी कि पढ़ाया आपको लाइव जाएगा और वही क्लास आपकी क्या होगी, रिकॉर्ड भी होती है. कभी आपको वापस जाके अपना कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ क्लास का समझ में नहीं आया तो आप रिकॉर्डिंग में जाके अपनी वो क्लास को पढ़ सकते हैं, फैकल्टी को सुन सकते हैं. सेक्शनल टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, डाउट सेशन आपको मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं. तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इस बैच में मिलेंगी. ठीक है, तो ये सारी चीज आप कैसे इस बैच में हम जा सकते हैं. तो इस बैच में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 247 एप्लीकेशन पे. जैसे ही आप अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाएंगे और ये जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाने पर. राइट, ऐसा कुछ हमारी एप्लीकेशन खुलती है और जब आपके पास एप्लीकेशन खुलेगी यहाँ पे ऑल कोर्सेज में, क्योंकि आप SSC एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे SSC. ठीक है, SSC सेलेक्ट करने के बाद हमें कौन से बैच में जाना है, स्टेनोग्राफर के बैच में जाना है. और कल से बैच शुरू हो रहा है. अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैम हमें ये बैच में आना है तो इस चीज में लेट मत करना कि आपको और टाइम लगेगा, क्योंकि बैच फिर आपका आएगा सीधे क्रैश कोर्स. स्टेनोग्राफर के एग्जाम डेट्स आपको पता है ना, अक्टूबर में पेपर होना है हमारा. अब अक्टूबर में पेपर होना है तो हमारे पास कितना समय जो है, अगस्त के 10 निकल चुके हैं, आज 10 तारीख है, 20-21 दिन आपके पास अगस्त के हैं, और उसके बाद अगस्त के बाद आपके पास क्या आने वाला है, सितंबर, सितंबर के 30 दिन. तो ये 20 और 30 और 20, 51 दिन, यानी कि 50 दिन टोटल है अगर अक्टूबर स्टार्टिंग में हमारा पेपर होता है तो. तो बिल्कुल भी लेट मत करो, टाइम से आप शुरू कर ले. कल ही आपका बैच शुरू हो रहा है, SSC स्टेनोग्राफर फाइनल सिलेक्शन बैच. इसमें जाके कर लेना सीधे बाय नाउ, और बाय नाउ करके ये आपको इसका जो टोटल अमाउंट है इस बैच का वो है आपका कितना, 6000. तो ये फीस ये आपकी नहीं है, फीस के लिए आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे कोड लगा देंगे, और कोड अगर आप लगाओगे तो ये बन जाएगा Y651. और जैसे ही Y651 करके आप अप्लाई करोगे, हाँ मॉक टेस्ट मिलेगा आपको इस बैच के अंदर भी, तो ये बन जाएगा कितना, 1379. ठीक है, 1379 ये आपकी फीस हो जाएगी. बैच की वैलिडिटी कितनी है, पूरा एक साल के लिए वैलिड है. पूरा एक साल तक आपके पास ये लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख पाएंगे. ठीक, ये सारी चीजें हैं. और कोड क्या लगाना है, कोड आप लोगों को लगा देना Y651. इस कोड को लगा के अपने इस बैच के साथ जुड़ जाओ अभी आज ही. ठीक है मैम, बैच में मॉक टेस्ट मिलेंगे क्या, हाँ जी ठीक है ओके. चलिए, तो ये सारी डिटेल्स थी आपके स्टेनोग्राफर बैच की. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि कल से ही आपका बैच शुरू है. कब से, कल आपको इसकी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी. कल से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को लेट बिल्कुल भी नहीं करना है. मैम महापैक में स्टेनो की क्लासेस मिलेंगी, जस्ट काम बोझ. अगर आपने SSC का महापैक लिया है, अगर आपने SSC का महापैक लिया है तो हाँ, जो स्टेनोग्राफर का नया बैच शुरू होगा उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको स्टेनोग्राफर की क्लासेस भी उसमें मिल जाएंगी. ठीक है ओके, और किसी का कुछ डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आज के आज आप लोग अभी के अभी, अभी क्लास के तुरंत बाद जो है अपने इस बैच से जुड़ जाओ बिना किसी रुकावट के. और इस बैच में क्या क्या चीजें, कैसे कैसे आपको कराया जाएगा बैच में, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. कल देखो, कल से शुरू हो रहा है 11 अगस्त. सारे फैकल्टीज आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे अपने 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 उसके लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए. लिमिटेड बैच साइज है. लिमिटेड बैच साइज का मतलब ही है कि 500 स्टूडेंट्स आपके एक बैच में आएंगे. अगर आप इस बैच में नहीं आ पाए तो फिर अगला बैच आपका करीब करीब 15-20 दिन बाद ही आएगा. तो 15 दिन तो कम से कम, 2 हफ्ते का टाइम तो कम से कम होता है 2 बैचेस के बीच में, तो वो आपका लॉस होगा एक बहुत बड़ा. ठीक है, तब आप तैयारी शुरू करोगे तो आप ऑलरेडी पीछे हैं. ठीक है, तो इस सब चीजों का ध्यान रखोगे. और बैच के साथ जुड़ने के लिए कोड मैंने आप लोगों को बता ही दिया है. ये कोड है आपका Y651. और अगर आपको किसी और बैच में भी जाना, चाहे वो बिहार पुलिस है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो आपका CPO का बैच है, चाहे वो CGL का बैच है, कुछ भी अगर आपको कोई भी बैच में जाना है इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप ये कोड लगा सकते हैं. यहाँ से आपको डायरेक्ट डिस्काउंट हो जाएगा. ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम आज का ये सेशन ओवर करेंगे. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही है और पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए.
लाइक कीजिए। बाकी कल का हमारा सेशन इसी टाइम पे होगा 2 बजे। जो 2 हमारी क्लासेस के टाइम है वो है आपका 2 बजे और साथ ही साथ रात में 9 बजे। तो ये दोनों क्लासेस हमारी डेली लगातार चलती हैं और ये चलती हैं आपकी मंडे से सैटरडे। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।